जय भीम साथियों, आज का दिन जश्न आज़ादी का भी दिन है। देश के लिए जो लोगों ने कुर्बानी दी उन सबको नमन है। और मौजूदा जो सरकार है वो हम लोगों से कह रही है कि अमृत महोत्सव मनाओ, लेकिन ये कैसे हम लोग अमृत महोत्सव कह सकते हैं जब इस देश में आज भी दलित समाज का बच्चा अगर किसी सवर्ण बिरादरी के व्यक्ति का या अपने ही शिक्षक का, जिसे वो गुरु मानता है, उसके मटके को छू लेता है तो उसे पीट पीट कर इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। ये पाषाण काल की मैं कहानी आपको नहीं सुना रहा हूं, ये आज की कहानी है। ये 2022 के भारत की कहानी है। ये उसी भारत की कहानी है जिसके भारत के बारे में लोग कहते हैं कि इसका विदेशों में डंका बजता है। ये उसी भारत की बात हो रही है जिसके 75 साल के अमृत महोत्सव बनाने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ये सब मजाक सा लगता है, सब जालौर जैसी घटना होती है, या उदयपुर में जो हमारे भाई के साथ हुआ, या फिर हाथरस में जो हुआ, या देश के तमाम कोने में जो ऐसी खबरें आ रही हैं कि दलित समाज के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरीके का अन्याय इस देश में हो रहा है, ये संदेहास्पद बना देता है हम लोगों की नागरिकता को। हम ये पूछना चाहते हैं क्या हम इस भारत के हैं, क्योंकि हम तो मानते हैं हम इस भारत के और भारत हमारा है, लेकिन हमारे ही भारत में पनप रहे कुछ मनुवादी कीड़े मकोड़े को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आज भी वो उस चीज को लेकर चलने का काम कर रहे हैं जिसको अमानवीय से भी निचले स्तर पर रखा जाना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। जालौर की घटना कहीं टीवी मीडिया पर डिबेट का हिस्सा नहीं है। रूबिका लियाकत इस पर बात नहीं कर रही है, अंजना ओम कश्यप इस पर बात नहीं कर रही है, श्वेता श्वेत चौधरी जो भी हैं, ये सारे गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, ये इस पर बात नहीं कर रहे हैं। और ये मामला आज पूरे हिंदुस्तान में अगर फैला है तो उसका कारण अल्टरनेट मीडिया है, नेशनल दस्तक, मुक नायक, दलित दस्तक, ऐसे शूद्रास, तमाम जो छोटे बहुजन चैनल हैं उनके माध्यम से इंद्र कुमार मेघवाल की जो खबर है वो जन जन तक पहुंची है, बहुजन समाज के, दलित समाज, पिछड़ों, आदिवासियों के बीच में पहुंची है। ये मीडिया नहीं दिखाएगा, उसके लिए इंद्र कुमार का मरना मनु के विधान के अनुसार सही है। वो कैसे इस पर रोएगा? अनिल कुमार भाई, सच में झकझोर देने वाली खबर है। हम लोग क्या भारत में रह रहे हैं, किस बात पे गर्व करें? मैं कैसे कहूं कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूं? बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं होता इस तरीके के मामलों देखने के बाद भी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो इस बात को समझ लें। अगर उनको लग रहा है कि दलित पिछड़ों का वोट उन्हें नहीं चाहिए तो ना लें वोट, हम भी नहीं देंगे वोट। देखते हैं आपको राजपूत और पंडितों का वोट लेकर आप चुनाव जीत पाते तो जीत के दिखा दीजिए, लेकिन आपको इतना बता दें कन्हैया लाल के घर पर आप गए मुलाकात करने के लिए, आप क्यों नहीं गए इंद्र कुमार मेघवाल के घर पर मुलाकात करने के लिए? प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर आपने लाठियां भांजने का काम किया, यह बेहद शर्म की बात है। आपको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। बहज मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आप लोग इस तरीके की हरकत करते हैं, आपको शर्म आनी? आप कैसे अपने बच्चों को मुंह दिखाएंगे? या मरने के बाद आपके नाम को उन काले अक्षरों में लिख दिया जाए कि यह बुजदिल था, चंद वोटों के लिए पिछड़े समाज में पैदा होकर उसी समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया। और राजस्थान के अंदर दलित समाज की बहुत बड़ी ताकत है। मैं अशोक गहलोत को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझा दूं कि अगर वो अपनी इन हरकतों से, इन अंधेपनों से बाज नहीं आएंगे, अगर इस घटना के ऊपर चुप्पी साध कर बैठेंगे, तो मैं हमको बता दें कि दो अभी चुनाव नजदीक है। मैं अभी बात कहता हूं कि दलित समाज अगर जाग गया तो ऐसे कितने ही मनुवादियों की ईंट से ईंट बजाने का काम कर देगा, लेकिन हमें भी गलतियां हैं, हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। दलित समाज भी आपस में बटा हुआ है, एक दूसरे के से ऊंचा नीचा बनने की कोशिश कर रहा है, और कुछ लोगों को तो हिंदू बनने में बड़ा मजा आ रहा है दलित समाज और पिछड़ों को। आपको यह तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप एक
एक फर्स्ट सिटीजन भारतीय बनना चाहते हैं या सेकंड सिटीजन हिंदू बनना चाहते हैं, आपको यह तय करना पड़ेगा। अगर आप नहीं तय कर पाओगे तो इसी तरीके से मनुवादी आरएसएस की ताकतें इस समाज को दूषित करती रहेंगी और उसी आरएसएस मानसिकता, उसी मनुवादी मानसिकता के लोग, अशोक गहलोत जैसे लोग इस देश के ऊपर, इस राज्य के ऊपर हुकूमत करते रहेंगे, जो डर के मारे डरेंगे कि पंडित जी नाराज हो गए तो वोट कैसे मिलेगा, ठाकुर साहब नाराज हो गए तो वोट कैसे मिलेगा। अरे लात मारता हूं मैं ऐसे वोट पे, नहीं चाहिए ऐसा वोट। बहुत लोग घबरा रहे होंगे पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाएंगे तो क्या होगा। अरे भाई मैं तो ऐसा कहता हूं कि अगर आपकी पार्टी आपको नहीं काम करने दे रही है, दलितों के बारे में नहीं बोलने दे रही है, अपने समाज का दर्द नहीं बयां करने दे रही है, तो ऐसी पार्टी को आपको लात मारना चाहिए। डर के मारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अरे आपका समाज 5000 साल से मार खाते खाते प्रोटोकॉल उसका बिगड़ गया है, आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। नौ साल का इंद्र कुमार बेचारा कितने सपने देखे होंगे जब वो स्कूल जाता होगा। उसने अपने माँ बाप को गरीबी में खटते हुए, धूप में, खेतों में मरते हुए देखा होगा। जब वो स्कूल जाता होगा ना तो ये बात को सोचता होगा कि मैं स्कूल जाऊंगा और स्कूल जाकर मैं बड़ा अधिकारी, बड़ा अफसर बनूंगा, पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनूंगा क्यों, और अपने माँ बाप को, अपने परिजन को इस नर्क से बाहर निकालूंगा। हम सब ये बात सोचते थे। लेकिन उस सपने को उसने, शिवेंद्र कुमार को नहीं मारा है, उसने सैकड़ों हजारों दलित बच्चे जो स्कूल जाकर अपनी किस्मत, अपने परिजनों की किस्मत को बदलने की कोशिश करते हैं, उस सपने को मारा। और यह महापाप है, इंद्र कुमार को मारना पाप है। और हजारों ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि बच्चे डरेंगे, स्कूल जाएंगे तो मास्टर जी का मटका छू जाएगा तो मास्टर जी हत्या कर देंगे पीट पीट कर। ऐसे तमाम एकलव्य आज भी भारत के अंदर हराम खोर द्रोणाचार्य के वजह से इस तरीके की अवस्था में पहुंच गए। एक कभी एकलव्य का अंगूठा मांगेंगे, कभी इंद्र कुमार की जान मांगेंगे। अरे दलितों की जान इतनी सस्ती है क्या कि मनुवादियों के लिए इस तरीके से कुर्बान कर देंगे और किसी को चूं तक नहीं कहेगा। रोहित वेमुला का उस पत्र को पढ़िए, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम किस मानसिकता के साथ स्कूल जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या इस तरीके का समाज निर्माण हो गया है। अब इसको जिस भाषा में समझ में आए उसमें जवाब अगर हम देना चाहें तो ये सरकार यूएपीए और एनएसए लगाकर हमें जेल में डालने का, हमें डराने का काम करेगी। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, इंद्र कुमार एक मामला, ऐसे देश में हजारों मामले रोज होते हैं जो शायद आपके व्हाट्सएप पर या आपके फेसबुक के फीड में या ट्विटर के फीड में नजर भी नहीं आते। बहुत सारे हजारों ऐसे मामले होते हैं, पुलिस थानों तक ऐसे मामले नहीं पहुंचते, उनका क्या होगा। क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने इसी दिन के लिए आप लोगों को रास्ता दिखाया था या इसी दिन के लिए आप लोगों के लिए अधिकार मांगा था। और जो लोग ये बात समझ रहे हैं दलित पिछड़े कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने से वो हिंदू बन जाएंगे, अरे वो अपना मटका छूने नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे छूने देंगे आपको। आप लोग इस बात को समझते क्यों नहीं, मटका नहीं छूने देते हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी छूने देंगे। अभी देखा आपने ना राष्ट्रपति जी जब बनी राष्ट्रपति तो कैसे उनके अगल बगल मंत्रों का उच्चारण किया गया, प्रधानमंत्री के सामने आपने देखा जब वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो कैसे मंत्रों का उच्चारण किया गया। नहीं, ये शुद्धिकरण प्रथा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मजबूरी है राजनीतिक कि वो एक दलित पिछड़े को राष्ट्रपति बनाते हैं। हालांकि वो उतना ही काम करेगा जितना उसको कहा जाएगा, हमें पता है जितना कोविंद जी ने दलितों के लिए काम किया उतना ही हमारी ये भी राष्ट्रपति करेंगे। कोई बयान नहीं है हमारे राष्ट्रपति का या पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी का कि भाई दलितों के साथ ऐसा हुआ। मैं तो कहता हूं शांतिपूर्ण आंदोलन की जरूरत है पूरे देश के अंदर। दलित समाज को समझना पड़ेगा कि वो द्वितीय दोयम दर्जे का हिंदू बनना चाहता है या प्रथम दर्जे का भारतीय बनना चाहता है। ये चुनाव आपको करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू बने रहना चाहते हो तो इस गुलामी में इंद्र कुमार का जो हश्र है कल वो आपके बच्चे का हश्र होगा, तो आपको वो स्वीकार करना पड़ेगा। बाबा साहेब ने कई बार कहा इस बात को कि जो धर्म आपको इंसान नहीं मानता, जो धर्म आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है, अरे सुअर और चूहे की पूजा करने वाली कौम है
और इंसान से घृणा करने वाले लोग हैं, ये कैसा धर्म है भाई? हमारे महापुरुष, इन्होंने महापुरुष चोरी की है। हमारे पास इतने महापुरुष आए, पेरियार आए, अम्बेडकर आए, साहू फूले, तमाम महान लोग आए जिन्होंने बताया क्या मार्ग है, शिक्षा का मार्ग है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना, राजनीतिक नुकसान के एवज में अगर कोई अपने मान सम्मान का सौदा करता है तो उस जैसा पाखंडी, उस जैसा दोगला, उस जैसा बेशर्म आदमी कोई नहीं होगा। मैं जो बात कहता हूं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप इतना मत बोलो, वोट नहीं मिलेगा। अरे नहीं चाहिए ऐसा वोट यार, जो अपने समाज के सीने पे पैर रखकर हमें वोट मिले, ऐसा वोट नहीं चाहिए। क्या करोगे ऐसा चुनाव जीत कर जो आपको गूंगा बना दे, जो आपको अपाहिज बना दे, आप अपने समाज के लिए बोल ना पाओ, आप अपने समाज के लिए बात ना कर पाओ, डरे रहो मंत्री पद के लिए कि अगर हम बोल देंगे तो मंत्री पद चला जाएगा। जागो मेरे भाइयों, अब दोबारा अम्बेडकर नहीं आएंगे धरती पर आपको जगाने। उन्होंने मार्ग दिखा दिया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से, मान्यवर कांशीराम जी ने बताया हमें मार्ग। अगर हम एक हो गए तो इनका पार्षद नहीं जीतेगा। मैं बड़ी बात नहीं कहता हूं, इस देश का बहुजन अगर एक हो जाए तो इस देश का सवर्ण अपना पार्षद या गांव का सरपंच नहीं जीता सकता। लेकिन हम लोगों को गुलामी की आदत पड़ी है, हमें लगता है ठाकुर साहब ने हमें सर पे हाथ रख दिया तो हम बड़े बन गए। अरे थू ऐसी सरपरस्ती पर। हमारे छोटे भाई के साथ जो हुआ है अशोक गहलोत, इस बात को समझ लेना, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे आने वाले चुनाव में। दलित समाज को कमजोर मत समझना और ले लेना पंडित ठाकुरों का वोट और उनके बदौलत बना लेना चुनाव सरकार। पर इस देश का जो कमेरा है, जो दलित पिछड़ा मजदूर है, जो किसानों के मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने का काम करता है, वो कभी भी इस मनुवादी शक्तियों के सामने घुटने टेकने का काम नहीं करेगा। पिछली बार हम आए, आपने हमें एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया, और राजस्थान का दलित अगर जाग गया ना तो आपके पास एयरपोर्ट और जेल दोनों कम पड़ जाएंगे। मैं आप लोगों से फिर अनुरोध करता हूं भाइयों, जागो। इंद्र कुमार एक घटना है, ऐसे तमाम घटना रोज होते हैं जो हमारे पास नहीं पहुंचते हैं। इसका मुख्य कारण हम भी हैं जो अपने आप में कमजोर हो गए हैं, अपने आप में जातियों में बांट लिए हैं, अपने आप में ही ऊंच नीच कर रहे हैं। मारने वाला नहीं फर्क करता, वो मारता है बोलता है मारो साला शूद्र है ये लोग, लेकिन हम लगे हुए हैं आपस में कि फलाना है तू धकवाका है, हम तेरे से ऊपर हैं। अरे कचरे की भी कोई क्वालिटी होती है क्या, अच्छा कचरा बुरा कचरा? धर्म ने आपको नौकरी नहीं दी, धर्म ने आपको धन अर्जित करने का अधिकार नहीं दिया, धर्म ने आपको मान सम्मान के साथ प्रॉपर्टी खरीदने की, घर बनाने का इजाजत नहीं दिया, ये आपको संविधान ने दिया है। तो संविधान की पूजा नहीं करते हो, ऐसे धर्म ग्रंथों की पूजा करते हो जो आपको शूद्र बनाते हैं। गांव में रामचरितमानस का पाठ करते हो, अनपढ़ ढोल शूद्र पशु नारी सदा ही ताड़न के अधिकारी, मजा आता है आप लोगों को? कभी अपने बच्चों को संविधान की प्रतियां दी पढ़ने के लिए? बेटा गीता पढ़ो, बेटा रामचरितमानस पढ़ो। अरे दो घंटियां बजती हैं सुबह सुबह, एक मंदिर की एक स्कूल की, मंदिर वाली भिखारी बनाती है और स्कूल वाली अधिकारी बनाती है। अपने बच्चों को यह बात समझाइए और जागिए। मैं तो कहता हूं इस तरीके की जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा हम कुत्ते की तरह मर जाएंगे, हम गोली खा के मर जाएंगे, हम फांसी पर चढ़ के मर जाएंगे, लेकिन इस तरीके की जिल्लत की जिंदगी नहीं जिएंगे। हम चाहते हैं इस देश के अंदर भाईचारा कायम रहे, जो लोग रह रहे थे। हम पुरानी बात भूलने को तैयार है जो आपने हजारों साल किया। हम चाहते हैं कि हम आइए एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन आप बार बार हजारों साल के जो अत्याचार हैं उसको बार बार कुरेद कर हमें याद दिलाने का काम करते हो। दलित समाज सोया शेर है, जगाना नहीं। अगर ये जाग गया तो मैं आपको बताता हूं, ये जो जलजला आएगा ना उसको इस देश का जो 15% है ना वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और जो लोग चुनाव लड़ने की बात करते हैं, मैं उनको बता दूं कि भैया आप लोग अब लकीर खींच के राजनीति करिए, ये 85 बनाम 15 की लड़ाई है,
सर्वका साथ सबका विकास बहु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय करने वाले लोगों की राजनीति नहीं चलेगी। यहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसान हिताय किसान सुखाय मजदूर सुखाय मजदूर का इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। ये कमेरों और लुटेरों की लड़ाई है और आपको चुनना पड़ेगा आप कमेरों के साथ हो आप लुटेरों के साथ आपको चुनना पड़ेगा आप किसान के साथ हो या अडानी के साथ हो आपको चुनना पड़ेगा आप मजदूर के साथ हो या अंबानी के साथ हो या आपको चुनना पड़ेगा वरना ये कल वापस कहते हैं सरकार अभी ये कुछ लंपट साधुओं ने लागू लॉन्च किया हिंदू संविधान जिसमें कहा मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं देंगे। अरे तुम ले लोगे मुसलमानों से वोट देने का अधिकार तुम्हारे बाप का देश है सभी का मिट्टी है इस सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है मुसलमानों से अधिकार छीन लोगे। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि इंद्र कुमार मेघवाल भाई के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे उसे न्याय दिलाने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे और हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और गहलोत को वापस समझा दे रहे हैं सुधर जाओ वरना आपकी सरकार का ऐसा हश्र करेंगे कि इतिहास के पन्नों में वो कौन से पन्ने पे होगा वहां तक कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा। सभी को धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं आप आपस में जो बहुजन समाज के लोग हैं एक दूसरे को समझाएं कि आपस में जो जातिवाद है उसको छोड़ें बहुजन समाज एक हो जाए दलित पिछड़ा आदिवासी मुसलमान सब एक हो जाए तो इस देश की तकदीर बदल सकती है। अब्दुल की चूड़ी टाइट करना से कुछ नहीं होगा अब्दुल की चूड़ी तो टाइट हो कर दोगे चलो उसके बाद क्या उसके बाद जो तुम्हारी चूड़ी हजारों साल टाइट होगी उसका क्या। मुसलमान हमारे दोस्त हैं हमारे भाई हैं भाई हमको भी इन मनुवादियों से खतरा है उनको भी मनुवादियों से खतरा है आदिवासियों को मनुवादियों से खतरा है और सिखों को आदिवासियों मनुवादियों से खतरा है तो सबको जब सबका दुश्मन एक हो तो सबको एक हो जाना चाहिए। इस अमानवीय व्यवस्था को बदलने के लिए मिटाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और न एक होंगे तो आपके बच्चे इसी तरीके से बर्बाद होंगे। आज धर्म की अफीम सुनाकर पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया इसके जिम्मेदार हम भी हैं जो इस शगुफे में फंस गए। जान लीजिए 15 बनाम 85 की लड़ाई है इसके अलावा कुछ नहीं है और जो लोग अभी भी फरसा उठाने की कोशिश कर रहे हैं सोच रहे परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त होगा ये गलती को भूल जाइए कोई आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा अंबेडकर जी का प्राप्त होगा फूले सावित्री भाई फूले का प्राप्त होगा पीरियार का प्राप्त होगा ललैया सिंह यादव का प्राप्त होगा। ये आपके महापुरुष इनको पहचानिए फर्जी महापुरुषों को पूछते हैं अपने महापुरुषों को मत पूछिए। अरे जब घर में बाप है तो पड़ोसी के बाप को क्यों पूछेंगे भाई अंबेडकर पेरियार फूले साहू ये सब हमारे पूर्वज हैं हम इनको पूजेंगे हम किसी और के बाप को नहीं पूजेंगे जिसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग एक हो जाएं इंद्र कुमार के मामले में जो भी करना पड़ेगा हम पूरे डट कर साथ में खड़े रहेंगे और सिर्फ इंद्र कुमार नहीं तमाम देश में जितने भी दलित एट्रोसिटी के मामले होते मैं तो मांग करता हूं SC ST मामले में फांसी का प्रावधान हो इन 50-60 को जब तक नहीं लटकाया जाएगा फांसी से तब तक इनकी आंखें नहीं खुलेगी। तो सभी लोग एक होइए तभी हम लड़ पाएंगे इन मनुवादीय ताकतों से वरना हमारा हश्र ऐसा ही होता रहेगा। आज इंद्र कुमार के साथ हुआ कल हमारे और तुम्हारे बच्चे के साथ इस तरीके के मामले होंगे तो हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे कि इंद्र की जगह हमारे बच्चों का नाम होगा तब हमारा खून खोलेगा। खून भी खोलना चाहिए और जागना भी चाहिए तभी कुछ बात बनेगी। और मैं तो कहता हूं हमें अम्बेडकर ने बताया कि कलम की ताकत वो ताकत है जिससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बंदूक से बदलाव नहीं आते कलम की ताकत से बदलाव आता है तो उस कलम की ताकत से उस प्रोटेस्ट करने के राइट से हम जरूर इस देश के अंदर बदलाव ला सकते हैं क्रांति ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को और मुझे पूरी उम्मीद हम सब मिलकर बहुजन समाज के पुनर्निर्माण के लिए काम करेंगे और ऐसी मनुवादी ताकतों को और मनुवादी ताकतों के साथ मनुवादियों की गुलामी करने वाले ताकतों को भी सबक सिखाने का काम करेंगे। सभी को जय भीम इनकलाब जिंदाबाद।